आखिर क्या है इन गुफाओं का राज, आखिर क्या है इन गुफाओं के अंदर जो इसे इतना शानदार बनाता है, आखिर ये गुफा मुंबई में छुप कैसे गई। तो क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक 2000 साल पुरानी जगह। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। तो दोस्तों हम आए हैं आज महाकाली केव्स, जहाँ पहाड़ के नीचे घर बनाए गए हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे और जो 2000 साल पुराने हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ आए हैं अमान भाई और इस बार साथ आए हैं इनाम भाई, जो वहाँ पे टिकट निकाल रहे हैं। वहाँ पे स्कैनर है, वो स्कैन करके वेबसाइट से टिकट निकाली जाती है। तो जब तक भाई टिकट निकाल रहे हैं तो चलिए हम ये पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सूचनाएँ लिखी हुई है। तो लिखा है नंबर 1, गुफा के अंदर सोना मना है, सख्त मना है लिखना बैठना, गुफा के अंदर बाहर नशा विशा जो भी है ना, बहुत कुछ पूरी लंबी लिस्ट लिखी है। 2-3 पढ़ लेते हैं। हिंदी में लिखा है, हिंदी उतना कहाँ आती अपने को। तो चलिए अब पढ़ लो, आप लोग दिखा दिया। हम अभी टिकट निकाल चुके हैं और यहाँ से अंदर की एंट्री है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो अंदर आपको यहाँ से सीधा जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अंदर एंटर करते ही यहाँ खूबसूरत सा रास्ता नज़र आ रहा है, जिसके आजू बाजू पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो इसे और शानदार बनाते हैं। फिर यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ते हैं तो वो गुफाएँ शुरू होती हैं जो 2000 साल पुरानी है। तो दोस्तों इस गुफाओं के साथ हम इसकी हिस्ट्री भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों महाकाली केव्स में कुल मिलाकर 19 गुफाएं हैं जो 2000 साल पुरानी हैं, जिनमें से 15 गुफाएं साउथ ईस्ट की तरफ है और बाकी की 4 गुफाएं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो चलिए पहले साउथ ईस्ट के 15 गुफाओं को देखने चलते हैं। मुंबई जहाँ हमेशा भाग दौड़ और चिल्लम चिल्ली रहती है, जहाँ के लोग सोते तक नहीं, इस इलाके में ऐसी जगह छुप कैसे गई। मेरा तो बचपन से ही मुंबई से रिश्ता है और ये जगह मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी और मुझे पता ही नहीं। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप लोग भी अंधेरी स्टेशन से 333 नंबर की बस पकड़कर महाकाली केव्स आ सकते हैं। अब मैं तो अंदर घुसते ही सोच में पड़ गया कि 2000 साल पहले लोग किया क्या करते थे यहाँ। ये जगह शायद उस वक्त घर टाइप बनी होगी, अभी पूरा टूट सा गया है। आप देख सकते हैं पूरा टूट गई ये जगह, मतलब है अच्छी खासी देखने लायक, लेकिन 2000 साल पहले लोग यहाँ पे रहने लायक बनाए होंगे। अब क्या हुआ ना दोस्तों, हम जैसे ही अंदर घुसे ना तो पूरा अंधेरा अंधेरा था और पूरे केव्स में, पूरे महाकाली केव्स में ज़्यादा लोग थे ही नहीं, मुश्किल से 10 लोग होंगे पूरे इतनी बड़ी सारी जगह में। तो हम घुसे तो थोड़ा डर सा लगने लगा और अंधेरा भी था अंदर, क्योंकि कोई था भी नहीं। और हमें डर इसलिए लगा कि हम जैसे ही अंदर घुसे ना तो हमको गेट के पास ही ना सांप दिख गए थे, 2-3 सांप दिख गए थे। तो हमें थोड़ा डर सा लग गया कि अंदर भी ना हो, तो हम थोड़ा मतलब संभाल के एहतियात से गए अंदर। तो ज़्यादा अंदर तक गए नहीं क्योंकि पब्लिक भी थी नहीं और सांप का भी खौफ बैठ गया था दिल में, तो हम लोग ज़्यादा अंदर गए नहीं। फिर भी हम वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत अंदर गए थे। तो देखिए आप, फिर थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम तमाम गुफाओं को घूम लिए। फिर उसके बाद हम जाते हैं
महाकाली की नौवीं गुफा में, नौवीं केव्स में, जो कि यहाँ की सबसे शानदार, सबसे मज़ेदार और सबसे बड़ी गुफा है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे शिवलिंग भी बना हुआ है। तो चलिए अब हम नॉर्थ वेस्ट वाली गुफा की तरफ चलते हैं, जहाँ चार गुफा है वो साइड। तो चलिए अब हम चलते हैं, वो थोड़ा ऊपर के रास्ते से है। तो इस रास्ते पे गुजरते हुए आपको वहाँ जाते हुए आपको यहाँ से एक खूबसूरत सा रास्ता नज़र आएगा। देख सकते हैं इन खूबसूरत से रास्तों को पार करते हुए आपको उन गुफाओं की तरफ जाना है, नॉर्थ वेस्ट साइड। तो दोस्तों यहाँ पे बाथरूम भी बने हुए हैं और पानी का भी इंतज़ाम किया गया है और यहाँ का टिकट सिर्फ 20 रुपये है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इन चार गुफाओं में, नॉर्थ वेस्ट की चार गुफाओं में, जो इन 15 गुफाओं से बिल्कुल अलग है, इसलिए शायद इस तरफ बनाई हुई है। तो चलिए अब इसे देखते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको ये गुफाएं, ये जगह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का होना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए मुंबई के हर जगह जाऊंगा, बस आप कमेंट करके बताइए कौन सी जगह का ब्लॉग बनाऊं, और ये जगह आपको कैसी लगी, इन गुफाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।